अस्सलाम वालेकुम। आज बैम में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आईसीसी वर्ल्ड कप के एक और रिलेटेड एक्सक्लूसिव शो में, और आज हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के एंथम के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और वो अब की बार होस्ट कर रहा है इंडिया। और जब इंडिया में मुकम्मल तौर पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया के तमाम शहरों में वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, तो इंडिया ने ही इसका एंथम बनाया है, और इस एंथम का नाम है दिल जशन जशन बोले। लेकिन जब ये ट्रैक आप सुनेंगे, जब ये एंथम आप सुनेंगे, जिसमें आजकल के टॉप बॉलीवुड हार्टथ्रोब रणवीर सिंह भी फीचर कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों होने के बावजूद, इंडियन एंथम, इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, ढोल की थाप, ईच एंड एवरीथिंग होने के बावजूद आपको इस एंथम में कुछ कमी नज़र आएगी। मैं इसलिए बात नहीं कह रहा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और वो हिंदुस्तानी ट्रैक है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि जिस ट्रैक में वो दम नहीं है, दिल जशन जशन बोले ट्रैक का जो टाइटल है, इट साउंड्स गुड, लेकिन अगर आप खुद इस पर नज़र डालें तो आप भी कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर है। बेटे आप फैन नहीं हो क्या? What does it take to be a fan? All it takes is one day, क्योंकि ये ICC Men's Cricket World Cup है। पहन के रेडी रहना सभी जनाब। जब ये ट्रैक मंजर आम पे आया तो इंटरनेट पे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी शदीद ट्रोलिंग का शिकार हुआ, और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने इस ट्रैक को पसंद ही नहीं किया। ये ट्रैक वायरल नहीं हो पाया, ये ट्रैक हिट ही नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रैक किसी भी स्पोर्ट्स का जो म्यूज़िक होता है, उसका जो एंथम होता है, चाहे वो PSL हो, IPL हो, FIFA हो, वो जब हिट होता है कि जब उस पूरे आप कहने के लिए टूर्नामेंट के अंदर उस पूरे मैच की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें हमारे जहनों में, कानों में वही ट्रैक चल रहा हो। जैसे हम फीफा देखते हैं तो हमारे जहनों में शकीरा का गाना ही चलता है, वाका वाका, इसी तरह का कोई ट्रैक होना चाहिए था। तो खैर, पाकिस्तान में इसका काफ़ी जो है ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, और लोग कुछ लोगों को तो अली ज़फ़र भी याद आए, क्योंकि अली ज़फ़र स्पोर्ट्स म्यूजिक के लिए माहिर कहलाए जाते हैं पाकिस्तान में। शायकी ने क्रिकेट को वर्ल्ड कप का तराना एक आंख न भाया, अली जफर से गाने को वापस गाने की फरमाइश कर दी। आईसीसी ने आइंदा माह भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया है, जिसका क्रिकेट शायकीन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन गाना शायकीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शदीद मायूसी का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मद्दाह ने अली जफर से फरमाइश की कि हमें आपकी आवाज में गाने की जरूरत है, जिस पर अली जफर ने जवाब देते हुए कहा कि मुल्क के लिए मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन मेरा काम करने का अपना तरीका है। अली जफर ने कहा कि उनका स्पॉन्सर करने वाले बड़े ब्रांड्स इसके जिम्मेदार हैं, उनके पास मार्केटिंग के प्रोफेशनल अफराद हैं जो उनकी रहनुमाई करते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर की अपनी खूबियां और खामियां हैं जिन पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मजा नहीं आया तो भाई हाजिर है। वाज रहे कि तराने के लिए लिरिक्स शेलोखे लाल और सवेरी वर्मा ने लिखे, जबकि इसको प्रीतम, नक्श अजीज, सुरेमा चंद्रा, अमित मिश्रा, जुनेता गांधी, उकासा और चरण ने गाया है। अभी ये ट्रैक की जंग चल ही रही थी और अभी सोचा जा रहा था कि अली जफर की तरफ से कोई जवाब आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पेप्सी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के साथ मिलकर एक ट्रैक लॉन्च किया जिसका नाम था कोई नहीं लाइक अस। कोई नहीं लाइक अस जिसको गाया यंग स्टर्नर ने, QB ने, हैदर अहसन, ये वो नाम है जो आजकल के यंग हार्ट थ्रोब हैं,
और पाकिस्तान में जो है इन अवार्ड्स को बड़ा पसंद किया जाता है। यंग स्टर्नर वैसे भी स्पोर्ट्स वाइज बन गया है और क्यूबी ने भी इससे पहले कई स्पोर्ट्स सॉन्ग्स गाए हैं। तो इन सबको कंबाइन किया गया और कोई नहीं लाइक अस ट्रैक जो है वो लॉन्च किया बाय पेप्सी एंड पीसीबी। लेकिन अभी भी वो कमी वो एलिमेंट की नीड थी जो एक्चुअली अली है जफर की तरफ से आता है। greatness witness pitch pe we're all about the business ba biryani number 1 shadab ki leg break tu dekh ke khel tu takkar gani ek yokkar gani underdog so hai par tujhe lag pata jana shaheen buland meri parwaaz har saans junoon aur jazba अभी इंतजार की घड़ियां खत्म ही हुई और अली सफर का एक वीडियो पैगाम आ गया जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों को सराहा भी, उनका थैंक्स भी किया और साथ में मद्दाहों कहा कि वो अपने आइडियाज उनको भेजें और वो जरूर कुछ सोच रहे हैं कि वो कोई ट्रैक बनाएं इस तरह का कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करे और धुआंधार अंदाज से करे। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अली सफर का नाम एक ऐसा नाम है जो कि भारत में भी बहुत मकबूल है एज अ पॉप सिंगर भी, और इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स में भी कई काम किया है। कई बॉलीवुड फिल्म्स में इन्होंने भारत में काम किया, इस वजह से भारत में भी अली सफर की उतनी ही मकबूलियत है जितनी कि हम कहें कि रणवीर सिंह की है। अली जफर ने आईसीसी वर्ल्ड कप का तराना बनाने का ऐलान कर दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप के ऐलान के बाद आईसीसी ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज किया। दिल जशन बोले तराने में बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया है जबकि म्यूजिक कंपोजर प्रीतम है, लेकिन मद्दाहों को ये ज्यादा पसंद नहीं आया। शायकीने क्रिकेट और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से इस वर्ल्ड कप के ऑफिशियल तराने को तनकीद का सामना करना पड़ा जबकि पाकिस्तानी शायकीन ने तो गुरुकार अली जफर से आईसीसी वर्ल्ड कप का तराना बनाने की फरमाइश कर दी है, जिसके बाद अब अली जफर ने वर्ल्ड कप के लिए तराना बनाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके तहत मैं आप सबके साथ मिलकर एक तराना तैयार कर सकता हूं। अली जफर ने नौजवान म्यूजिक कंपोजर्स, राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को अपने साथ गाना बनाने की दावत देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि जब हम जमहूरी तरीके से अपने लिए तराना बनाएंगे। Hi everybody, Assalamu alaikum. Right, so this is about the anthem, the cricket anthem, the World Cup cricket anthem. Hi, Lamia, बचा ले। हर साल की तरह रिक्वेस्ट आती हैं बहुत से आप लोगों की और आई फील के आई डोंट नो मैं सोचता रहता हूँ कि करना चाहिए नहीं बिकॉज आई ऑलवेज फेयर दैट देन यू नो देन सम पीपल गेट ऑफेंडेड एंड देन एक पूरी बहस। बहरहाल ये बात बहस की नहीं है, ये बात है इंजॉय करने की, मज़े की। और आई फील मेरा बिलीफ है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी कौम है, इसके पास बड़े कम मौके होते हैं टू इंजॉय, टू हैव फन।
और क्रिकेट और वर्ल्ड कप और PSL और ये जो मौके होते हैं, ये ऐसे होते हैं दैट दे आर वेटिंग इन एंटिसिपेशन कि उनको कोई ऐसी चीज़ मिले, कोई ऐसा गाना तराना जिस पे वो धूम मचाएं और धमाल मचाएं, और नहीं, जस्ट ट्राई टू बी डिफरेंट, मेक अ बीट एंड सेंड इट टू मी, 4 से 8 बार हो जाए काफ़ी होगा, देन वी कैन सी के ग्रूव क्या है, लेट्स फील द ग्रूव। स्टेप टू, और ये साथ साथ पैरेलल ही चल सकता है, जो कंपोजर्स हैं या जो राइटर्स हैं, लिरिक राइटर्स, को अच्छी सी लाइन लिखे, कोई मज़े की लाइन, जिस तरह उस वक्त मैंने लिखी थी, सीट फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा, उसके बाद भी लिखी, बट आई वॉन्ट समवन जिसको मौका चाहिए, जिसको चांस चाहिए, ब्रिलियंट राइटर्स, मैं शायद सबको ना देख सकूँ, जितना मैं देख सकूंगा उसको हम देखेंगे, फिर उसमें से हम मिल के जो चीज़ हमें पसंद आएगी ना सबको, मैं आपसे पूछूंगा लोगों से कि हाँ भाई ये धुन, ये चीज़, ये बीट ठीक चल रही है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ऑन टॉप ऑफ माई माइंड अगर आ रहा है कि आओ सबको, आओ सब मिलके खेलें, डर 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 डर, तो यू नो उसको आप मुंह से भी गा सकते हैं, आओ सब मिलके खेलें, डर 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 खेले, डर 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 डर। और फाइनली अली सफर का वो ट्रैक रिलीज हो गया और उस ट्रैक का नाम था मजा आ गया। हाशिम नवाज भी इसमें साथ हैं, अली सफर के रैप सिंगर, और गाना बड़ा हैपनिंग है, भारत में भी ये गाना बहुत मकबूल हो रहा है, और हैरानगी की बात कि ये ट्रैक पाकिस्तान की तरफ से, अली जफर की तरफ से ज़ाती तौर पर जो है रिलीज़ किया गया, लेकिन इसके बावजूद ऑफिशियल ट्रैक दिल जशन जशन बोले को भी मज़ा आ गया, अली जफर के जो ट्रैक है इसने बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स, और ये ट्रैक ना भारत से ना पाकिस्तान से कहीं से शदीद ट्रोलिंग का शिकार नहीं हुआ, लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, वाकई में इस ट्रैक को देख कर मज़ा आ गया। धूम मची बीट में है दिल हिलाया, देखो जरा देखो फिर सामने ये कौन आया, तुमसे ना होगा जाने दो रेस्ट करो, फिर से भाई तेरा देखो ये क्या है लाया, मजा आया आया जब दिल धड़काया, मजा आया आया जब बल्ला घुमाया, मजा आया आया जब ये गाना गाया, आया 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 जनाब, आपको हमारी आज की ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ट्रैक की जो वॉर थी बिटवीन रणवीर सिंह एंड अली जफर, रणवीर सिंह तो खैर उसमें फीचर थे, गाना उन्होंने तो नहीं गाया था, लेकिन अली जफर ने तो बकायदा गाना भी गाया है और फीचर भी हुए हैं उसमें, ये स्टोरी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। इसी तरह की मजेदार स्टोरीज और रिव्यूज के लिए देखते रहिए, डोंट फॉरगेट टू वॉच, सब्सक्राइब, फॉलो BAMTV.PK। अल्लाह हाफिज़। ये वतन की जान, हर खिलाड़ी है छाया, मजा आया। Bad.